शेखपुरा जिले के घाट कुसुम्भा प्रखंड के पानागपुर गांव के कुल 11 मजदूरों को कश्मीर में बंधक बनाए जाने की खबर मिली थी। परिजनों ने डीएम सावन कुमार और एसपी कार्तिकेय शर्मा से गुहार लगाई थी। सभी जगह गुहार लगाए, अंत में गजाली भैया को भी शरण हम लिए, पत्र लिख के भेजे कि हमारे साथ ये ऐसा ऐसा अन्याय हुआ है, यह बच्चा को किसी प्रकार से हमारा वहाँ से छुटकारा दे के मंगाने का काम कीजिए, नहीं तो बच्चा मेरा खोवा जाएगा। जब बच्चा की आवाज़ हम वहाँ से सुने इस दिन, तो हमारा आधा चेहरा भी खत्म हो चुका है। लेकिन चैनल के माध्यम से जो उपकार मेरा हुआ है, मैं सदा आभारी रहूँगा, गजाली भैया को आभारी रहूँगा, माननीय चिराग पासवान जी का रहूँगा, और बधाई हम देते हैं हमारे शेखपुरा जिला डीएम साहब को भी देंगे। वो जो कहा वो पर्ण पूरा किए, 3 से 4 दिन में आपका बच्चा को हम ढूंढ निकालेंगे। आज दिवाली है, कुछ दिन के बाद छठ है, क्या लग रहा है, कितना खुशी हो रही है? बहुत खुशी का बात है। बिना बोले हमारा बेटा बच्चा चला गया दिल्ली के बहाने, कश्मीर लेके चला गया ठेकेदार, उसने कश्मीर में बेच दिया, और हमारा विधायक जी ने चिराग पासवान और राम गजाली जी हमारा बच्चे को लाकर हमारा घर में खुशी का समय दे दिया। हम यही मानेंगे कि जाली भैया को आप जितना हमारे बच्चा का खुशी मनाया, हम आपका खुश रखेंगे। परिजनों ने लोजपा नेता से भी गुहार लगाए, जिसके बाद लोजपा के इमाम गजाली एवं शेखपुरा जिला प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए बंधक मजदूरों को रिहा करवा लिया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से जिला प्रशासन शेखपुरा को 11 मजदूरों को बंधक बनाए जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद स्थानीय जम्मू कश्मीर की पुलिस और शेखपुरा जिला प्रशासन पुलिस की टीम ने सभी बंधक किए गए मजदूरों को मुक्त करवाया। रविवार को सभी 11 मजदूर जम्मू कश्मीर से शेखपुरा पहुंचे, जिसके बाद शेखपुरा एसपी कार्तिकेय शर्मा ने सभी मजदूरों का स्वागत किया। वहीं इस बड़े मामले पर एसपी कार्तिकेय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि झारखंड राज्य के पलामू जिले के आरएम प्रकाश सोनी एक दलाल द्वारा पूर्व में सभी मजदूरों को ले जाया गया था। कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि पानापुर पंचायत से कुछ बच्चों को ले जाया गया है काम कराने के लिए, और उन्हें बंधक बना के जम्मू कश्मीर में रखा गया है। इस पर कई पहल पर कार्य किया गया, और इसमें उनके लोकेशन फाइंड करने की कोशिश की जा रही थी। इसमें कई लोगों के द्वारा पता किया गया और पता चला कि ये लोग जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में काम कर रहे हैं, और इन्हें बिहार आने नहीं दिया जा रहा है। फिर इसमें मुख्यमंत्री जी के द्वारा पहल की गई और वहाँ के प्रशासन से बातचीत की गई, और डीएम और एसपी वहाँ के जो लोकल थे उनसे बात करके इन बच्चों का लोकेशन लिया गया कि ये कहाँ काम कर रहे हैं। इन लोगों से बात किया गया तो पता चला कि इन्हें जबरदस्ती वहाँ रखा गया है। फिर वहाँ पे प्रशासन के द्वारा इन सभी को जमा किया गया, सीडब्ल्यूसी वगैरह में ले जाकर इन लोगों का बयान करवाया गया, और यहाँ के श्री इमाम गजाली जी हैं उनके द्वारा कई लोगों से कोऑर्डिनेशन करा के वहाँ से इन लोगों को कलेक्ट करा के इन लोगों को पहले जम्मू भेजा गया कश्मीर से, और कश्मीर से फिर दिल्ली लाया गया, और दिल्ली से फिर ये ट्रेन से आज पटना पहुँचे हैं, और पटना से अभी यहाँ लाया गया है। अभी इन्हें इनको घर भेजा जा रहा है। कितने लोगों को मुक्त कराया गया? 11 लोगों को मुक्त कराया गया, 11 सभी पानापुर पंचायत के। सर बताया जा रहा है इन लोगों जो अभी बताया गया है इन लोगों के द्वारा कि इसमें से एक व्यक्ति था जो इन लोगों को रिक्रूट करके ले जा रहा था, वो पहले भी इन लोगों को ले आया गया है। पहचान हो गई है, नाम बताया गया है, ये इन लोगों के साथ पहले भी ले गया था। इन्हें पहले यहाँ से बंगाल ले जाया गया, फिर कहा गया कि दिल्ली में कार्य कराया जाएगा। दिल्ली ले आने के क्रम में इनसे कहा गया कि हरियाणा जाना है, और वहाँ से इन्हें कश्मीर ले आया गया। कश्मीर में इनको बताया गया कि सभी व्यक्ति को अलग अलग जगह ले जाया गया काम करने के लिए। कुछ व्यक्तियों से होटल में काम कराया गया, कुछ लोगों से टंकी बनाने का काम करवाया गया, विभिन्न लोगों को अलग अलग जगह रखा गया था। मारपीट भी की गई। इसमें बताया गया है कि जब शुरू में ये लोग कश्मीर जाने से मना किए, तो इन लोगों के द्वारा जबरदस्ती कराया गया कि उनको वहाँ जाना ही पड़ेगा। इस बार भी ले जाया गया, लेकिन इस बार दिल्ली के नाम पर पहले पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उसके बाद सभी को जम्मू कश्मीर ले जाया गया, जहां अलग अलग कंपनी और गोदाम में भेज दिया गया।
जब मजदूर द्वारा अपने घर ले जाने की बात कही गई तो सबके साथ मारपीट कर बंधक बनाए जाने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद स्थानीय जम्मू कश्मीर जिला प्रशासन के सहयोग से सभी को मुक्त करा लिया गया और उन्हें घर भेजे जाने की कार्रवाई की गई। वहीं मुक्त मजदूरों ने कहा कि सभी को अलग अलग कंपनी में काम करने के लिए भेज दिया गया, जबकि घर पर फोन पर बात करने नहीं दिया जा रहा था। इसके बाद किसी तरह घर वालों को बंधक हो जाने की सूचना दी। इसके बाद लोजपा के इमाम गजाली एवं जिला प्रशासन के सहयोग से छुड़ाया गया। सभी मजदूर अपने घर लौटने पर काफी खुश हैं। सभी मजदूर शेखपुरा पहुंचे और जिला प्रशासन ने पनापुर गांव तक पहुंचाया। गांव में पहुंचते ही गाँव वालों ने पटाखे फूल अबीर से उन सभी का भव्य स्वागत किया। उसके बाद पैलेस में काम करना, वहीं पे रहना है, कपड़ा खाना सब फ्री देगा और 12-13 हज़ार का महीना तनख्वाह देगा। और उसे कह के ले चला गया कश्मीर। कश्मीर ले जाने के बाद हम सबको अलग अलग भागों में बांट दिया, एक एक लड़का को। कोई 2 घंटा के अलग फर्क में, कोई 1 घंटा, कोई 3 घंटा को, सब अलग अलग कामों में दे दिया। किसी को मतलब होटल में डाल दिया, किसी को किसानी लाइन में डाल दिया, धान उन जो खेती होता उसमें, किसी मैं तो कंपनी में चला गया, टंकी जो पानी होता है वो वाला टंकी बनाने गया। और कोई लड़का मतलब घर में कोई दूध सप्लाई करने के लिए चला गया, और कोई सब्जी बेच रहा था इसी मतलब, कोई कोठी में था, कार कोई गैरेज में मतलब कार उस सफाई करता था, बस यही। कौन ले गया था आपको? चंदन कुमार। कहाँ का था? झारखंड का। हाँ, पहले संपर्क था सर, उसके साथ मैं गोवा में काम कर चुका था और वो जयपुर में। कैसे लगा कि आपको बंधक मिला? कैसे मतलब वहाँ जाने के बाद सर हमको फीलिंग हुआ दूसरा, मतलब कश्मीर में जाते हैं सिम बंद हो गया, सिम हो जाने के बाद, और वहाँ जो पहले से लड़का था वो बोला यार तू तो आके फंस गया, यहाँ इतना इतना एग्रीमेंट बनता है साल भर का, वो साल भर किया 2 साल भी नहीं जाने देगा, पैसा भी नहीं देगा, जिसके ऊपर और बोलेगा तू मारेगा भी, अब फोन भी किधर भी नहीं बात होगा, माँ बाप से भी बात नहीं होगा। तो चोरी छुपे किसी से वाईफाई कनेक्ट करके मैं अपना घर का सहारा लिया, सर का सहारा लिया, उसके वजह से मैं बिहार आ पहुँचा हूँ। मारपीट भी किया है? मारपीट भी किया, एक आध दो लड़पड़ दिया सर। उसके बाद फिर वो पैसा मांगा, बोला 10 हज़ार दे, उसके बाद मैं हर एक सब लड़का के पैसे 10 हज़ार 12 हज़ार देगा तो छोड़ दूंगा, नहीं तो दूसरा एजेंट के पास बेच दूंगा। बेचने के बाद चल रहा था, मैं बोला पैसा देने के लिए भी तैयार हूँ। उसके बाद वो बोला ठीक है मंगा, फिर मैं पैसा मंगाने लगा, बोला नहीं नहीं पैसा नहीं चाहिए मेरे को, तू चाहिए तू सब सीधा काम करना है। उसके बाद रहा है, हाँ, रहा है। मैं तो बढ़िया हूँ, तुम खुश हूँ सर कि मैं बिहार आ गया हूँ, अब ऐसा काम कभी भूल से भी नहीं। उस लड़का को जितना जल्दी हो सके उसे सजा मिल जाना चाहिए। गाँव में पहुँचते ही मजदूरों के माता पिता की आँखों में खुशी के आंसू छलक उठे। शेखपुरा से अरविंद कुमार की रिपोर्ट।